राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तहत से लाभार्थियों को नरेगा जॉब कार्ड जारी किया जाता है। एम नरेगा की तहत ग्राम पंचायत में किए जा रहे हैं विकास कार्य में काम पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज है, क्योंकि इसी में कार्य के विवरण दर्ज किया जाता है। अगर आपका जॉब कार्ड खराब हो गया है या कहीं गुम हो गया है तो इसकी डुप्लीकेट कार्ड बनवा सकते हैं या खुद भी इसे देख सकते हैं कि यदि आप नरेगा जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं तो आप अपने मोबाइल फोन के सहारे से घर बैठे बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि मेरा नाम नरेगा जॉब कार्ड की लिस्ट में आपका नाम आया है कि नहीं आया है। आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। इसको कैसे देखना है चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को भी लाइक करें। चलिए जान लेते हैं नरेगा जॉब कार्ड के लिस्ट कैसे देखते हैं। नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के कोई भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है नरेगा। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले जो वेबसाइट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो जॉब कार्ड डाउनलोडिंग करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो चुका है। जॉब कार्ड डाउनलोडिंग करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पंचायत GPPSZP, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे में आप ग्राम पंचायत से देख सकते हैं, पंचायत या ब्लॉक से भी आप देख सकते हैं, जिला पंचायत से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत पर क्लिक कीजिएगा, ये सबसे आसान तरीका है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को ग्राम पंचायत के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर पर दिखाई दे रहा होगा जनरेट रिपोर्ट्स पर, यहाँ पर जॉब कार्ड जॉब स्लिप आप लोगों को सेकंड आदि ऑप्शन पर क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर पूरा स्टेट का यहाँ पर नाम आ गया है, आप किस स्टेट से हैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार का सेलेक्ट कर लेते हैं। और देखिए बिहार में यहाँ पर आप लोगों को जैसे में आप लोग को किस वर्ष तक देखना है, जैसे मैं आप 2021 से 2022 तक के देखना है कि 2020 से 2021 के डाउनलोडिंग करना है, या 2019 से 2020 या 2018 से 2019, अपना कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले 2021 और 22 के हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर आप लोग को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। और अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी ब्लॉक आता है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ब्लॉक के अंदर आपके गांव के पंचायत का सेलेक्ट कर लेना है। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को प्रोसेस पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप प्रोसेस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा होगा जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप लोगों को 5 नंबर वाला ऑप्शन चूज करना है, जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। देखिए आपके पंचायत में पूरा नाम खुल कर आ चुका है, अपना नाम यहाँ से देख लीजिएगा। इसको डाउनलोडिंग करने के लिए इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जॉब कार्ड, आप आसानी से अपना जॉब कार्ड देख सकते हैं। इसको डाउनलोडिंग करने के लिए अभी देखिए मैं मोबाइल से बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और किसी भी दुकान से हम इसको निकलवा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।